लेट क्यों आई? वो वहां उधर क्या बोलो ना, उधर क्या? वहां कुछ गुंडे थे, उनकी वजह से मैंने रास्ता बदल लिया, इसी वजह से मैं लेट हो गई। अगर ऐसी औरत नहीं हो तो क्यों अकेले जाती हो? उन गुंडों को मैंने कहा था कि मुझे छेड़े। जब तुम इस हालत में बाहर जाओगी तुम्हें लोग नहीं जानेंगे। 100 दफा तुम्हें कहा अपने आप को कवर करो, प्रॉपर कपड़े पहनो, लेकिन तुम्हें इंसानी की समझ नहीं आती। तुम्हारी इन हरकतों से तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। तुम्हारे अंदर संगत नहीं है, मत करो मत करो। अगर मेरा मित्र खून गया तो कोई इंसान तुम्हें बचा, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत नहीं है। तुम्हें पता है नगमा, मुझे कभी कभार खुद की भी समझ नहीं आती। तुम्हारे साथ, लोगों के साथ, हर किसी के साथ बहुत बुरा करता हूँ, यकीन जानो बाद में बहुत नदामत होती। हाँ भाई, नौकरी के पीछे फिर के थक गया है। मेरे पास क्यों नहीं आता? इस घर का दामाद बनेगा, वो तो इतनी सारी फैक्ट्रियों में एक फैक्ट्री संभाल लेगा। हाँ। भाई मैं उसे कहूंगी, वो जरूर आएगा। हाँ ना, शादी से पहले आ जाए तो मैं उसे अपनी जिम्मेदारियां सौंप दूंगा ताकि सब कुछ संभाल ले। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? मुझे मशाल खान कहते हैं। और आप? जिया। जिया? बड़ा प्यारा नाम है, आपकी तरह। अच्छा। मैं इस शहर का सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेसमैन। अरेवन, आज आपका पहला दिन है, कांग्रेचुलेशंस। आपसे पहले यहाँ पर एक और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर था, बड़ा बदमिजाज आदमी था। आपके आने से इस बैंक का सारा माहौल खुशगवार हो गया। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपकी बातों पर समझी नहीं। समझ आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता। मैं तो वैसे भी आता जाता रहूँगा, मैं जरा बेजा साहब से मिलूं। सिद्रा, तुम्हें पता है कि हमारे खानदान का अपना निज़ाम है जो कि वाले साहब के वक्त से चला आ रहा है। जब जिया आ जाए तो आप उससे खुद बात कर ले। ओ जिया बेटा, डैडी तुमसे बात करना चाह रहे हैं। जी डैडी। बेटा, तुम्हारी माँ नदीम के मुतालिक बात कर रही थी। कौन है ये नदीम? नदीम इज जस्ट माई क्लास फेलो, ये कोई इतनी सीरियस बात तो नहीं है। बेटा, अगर वो हमारे खानदान में दिलचस्पी रखता है तो अपने बुजुर्गों के साथ आ जाए, मिल ले, हमसे बात कर ले। डैडी, एक्चुअली नदीम के फादर की डेथ हो चुकी है तो घर में सिर्फ उसकी माँ होती है। बेटा, माँ आ जाए, रिश्तेदारों में से कोई एक दो अफराद आ जाए साथ। ठीक है डैडी, मैं उसे कह दूंगी। सिद्रा, ये वक्त भी कितना अजीब है, हवा की तरह गुजर जाता है। सोचो तो कल की बात है, जिया तुम्हारी गोद में थी और फिर वक्त गुजरता रहा, मेरा इंतजार करती थी उंगली पकड़कर, बा 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 बा, और आज कितनी बड़ी हो गई है। औरत की जात होती ही ऐसी है,
हमेशा मेहमान के जैसी। जब छोटी होती है तो माँ बाप के घर में मेहमान, जब बड़ी हो जाए तो भाइयों की मेहमान, और जब शादी हो जाए शोहर के घर में मेहमान, और जब बूढ़ी हो जाए तो मौत की मेहमान। यूं औरत की जिंदगी मुसाफिर की तरह गुजर जाती है। यार तुम्हें पता है कल ऐसा जो हमारे घर आया था, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन ये अच्छा हुआ उसके आने से पहले मैंने सब कुछ मम्मी डैडी को बता दिया था कि हमारी बाइक गुम हो गई है, नहीं तो आज सब अंदर होते। यार कोई बड़ा हाथ मारते है यार, ये क्या है, गली कोचों में किसी से मोबाइल छीनते है किसी से पर्स। हाँ तुम्हें पता है इन दोनों की सजा एक ही है, चाहे गली कोचों में डकैती करो या फिर बैंक लूटो। तो इससे तो अच्छा ये कि कोई बड़ी डकैती करे, मालदार हो जाए, बड़े पैसे बनाए, ये क्या है यार। बड़ा हाथ मारने के लिए हमने उसे बात की हुई है ना। कौन, ड्राइवर का कह रहे हो? हाँ। ओहो, वो तो कुछ भी नहीं है मना, वो तो खुद बेचारा गरीब आदमी है। वो स्टाफ की तनख्वाह लेने हर 2 तारीख को आता है, मैनेजर साथ होता है और उनके पास कुछ नहीं होता। तो मैनेजर के खाली हाथ हमारे खाली हाथों को भर देंगे। हाँ। तुम लोगों को क्या लगता है ये सब इतना आसान है? ये कोई किसी बच्चे के हाथ से लॉलीपॉप नहीं छीनना, ये करोड़ों रुपए छीनने हैं उनसे, हट्टे कट्टों से। तुम्हें क्या पता है यार, इसी में तो सारा चक्कर है। तुम छोड़ो, सारा प्रोग्राम हमने सेट किया हुआ है। प्लान क्या है, क्या करना है? उसके साथ हमने जगह फाइनल की हुई है, वो वहाँ पहुँच जाएगा, हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे, ड्राइवर और मैनेजर को जख्मी करके सब कुछ छीन लेंगे। देखो लोग दिन दिहाड़े बैंक लूटते हैं और हम ये इतना मामूली काम नहीं कर सकते, थोड़ी हिम्मत चाहिए। हिम्मत की कमी नहीं है, प्लान मजबूत होना चाहिए। यार अगर प्लान पसंद नहीं है तो खुद ही उसके साथ बैठो और बात कर लो। ओके दैट्स ग्रेट, तुम लोग मुझे उसके साथ बिठाओ, बाकी प्लान मैं बना लूंगा। ओके डन। इस वक्त किसकी कॉल आ गई? आप कौन बात कर रहे हैं? देखो पहले इंसान एक दूसरे के साथ सलाम दुआ करें, फिर उसके बाद पूछे कि आप कौन। एक्सक्यूज मी, मैं अननोन कॉल्स रिसीव नहीं करती, और अगर किसी के अननोन कॉल आ जाती है एटलीस्ट उनको इंट्रो देना चाहिए। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, मेरा नाम मशाल खान है और बैंक के मैनेजर से आपका नंबर लिया। कौन मशाल, मैं आपको नहीं जानती। मैं आज आपके बैंक आया था और आपको बैंक में देखा था। प्लीज काम बताएं। जी अभी भी आप बहुत जल्दी में नहीं है, आपके साथ जरूरी काम है इसलिए फोन किया।
ऑफिस के कामों के लिए लोगों के चाहिए ऑफिशियल आवर्स में कॉल करें। ये मेरा पर्सनल टाइम है और ऐसे वक्त में कोई कॉल नहीं करता। ये एथिकली गलत बात है। देखिए जी बेबी, मैंने आपके लिए बहुत शानदार और खूबसूरत गिफ्ट लिया हुआ है। ऑफिस में इसलिए नहीं दे सकता कि वहाँ पे और भी कई लोग हैं, और वैसे भी बुरी बात है आप फीमेल हो ना। ऐसा कर लेंगे कि बाहर कहीं जाकर डिनर कर लेंगे, एक दूसरे को देख लेंगे, क्या ख्याल है आपका? और ये गिफ्ट भी दे दूंगा आपको। आई एम सॉरी मिस्टर मशाल, मैं किसी से गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करती, पर आप अगर पहले से किसी को जानते हैं तो प्लीज ये गिफ्ट उसको दे दें। प्लीज आप मेरी बात सुने, मेरा ये गिफ्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये बहुत कीमती और नायाब है। मिस्टर मशाल, आई थिंक आपको आसान अल्फाज में बात समझ नहीं आ रही। अगर किसी और जुबान में बात समझते हैं तो उसी जुबान में बात कर लूंगी। प्लीज इस तरह मुझे दोबारा कॉल ना करें। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। फाइन, अल्लाह हाफिज। पगली लड़की, तुम तो पूरे 11,000 की लाइन हो। तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का खूब मजा है, इसलिए कि तुम नागन की तरह बहुत सहरीली हो। वाह, अस्सलामु अलैकुम। ओए, मुझसे शादी करोगे या नहीं? खुदा खैर करे, तुम तो बड़ी गुस्से में हो, खैर तो है ना? मैं क्या कह रही हूँ और तुम मुझे क्या जवाब दे रहे हो? मैं तो तुमसे ही शादी करूंगा, लेकिन ये बताओ कि इस वक्त इस बात की क्या तुक? ओहो नदीम, है ना, मैं कब तक तुम्हारे लिए मम्मी डैडी के सामने बहाने करती रहूंगी? मेरे लिए बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, मेरी शादी कहीं और हो गई तो फिर? खुदा कसम कि तू मेरा ना हुआ है दिलबर, तेरी डोली के साथ जनाजा उठेगा मेरा। नदीम, ये तो दुनिया का दस्तूर है ना, सबकी शादियां तो होती हैं और मैं सारी उम्र तुम्हारे लिए बैठी रहूंगी, जब तक तुम्हारी जॉब ना हो मैं वेट करती रहूंगी। अच्छा ठीक है, तुम ये बात छोड़ो, मैं बीबी गुल से बात कर लूंगा, फिर हम आएंगे, ठीक है? देखो नदीम, मैं 4 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अगर इस हफ्ते के अंदर अंदर तुमने प्रपोज ना किया तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी। तो मैं क्यों रोऊंगा? अच्छा, तो तुम मेरे लिए खफा नहीं होगे? ओहो, मेरा मतलब ये था कि अकेले मैं नहीं रोऊंगा, तुम भी साथ रहोगी, क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। बस करो नदीम, प्लीज जल्दी करो, 4 साल गुजार दिए, बस करो। ओके, मैं बीबी गुल से बात कर लूंगा और तुम्हें अपडेट कर लूंगा, ठीक है? ठीक है, अल्लाह हाफिज।
लेकिन बीबी गुल, मैंने जिया के साथ वादा किया है और वो हमारे इंतजार में होगी, और अब तो उसने माँ बाप को भी बता दिया होगा। देखो बेटा, ये अभी की नाराजगी बेहतर है, फिर बाद में मैं भी खफा होंगी और भाई भी खफा होंगे, और ये अच्छी बात नहीं है। और तुम्हें तो ये भी पता है ना कि भाई के हम पे कितने एहसानात हैं। लेकिन बीबी कुल, इनकार ना करना, शुमाइला बचपन से तुम्हारे नाम पे है। अब वो जमाना नहीं रहा बीबी कुल के माँ की गोद में एक दूसरे के नाम पे हो जाते थे। जमाना गुजर गया या रुका है, लेकिन पश तो अपनी जगह है। बीबी गुल, मैं फिर जिया को क्या जवाब दूंगा? जिया को कोई भी जवाब देते रहो, लेकिन मुझे जवाब दो कि मैं भाई को क्या जवाब दूं। उनको मैं किसी सूरत खफा नहीं कर सकती, और अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो ना, तो जिया को साफ इनकार कर दो। मैं शुमाइला के साथ कैसे जीऊंगा? वो तो एक अमीर बाप की अकलौती बेटी है। चाहे वो किसी की भी बेटी हो, लेकिन है तो हमारा अपना खून ना। बेटा, शुमाइला तुम्हारे साथ बहुत गुजारा करेगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जिया बेटा। जी बाबा। तुम्हारे मेहमान कब आ रहे हैं? बाबा, मैं रास्ते में हूँ, अभी आ जाएंगे ना। अच्छा बेटा। और हाँ जिया बेटा, जरा किचन की तरफ भी चली जाओ, वो लड़का अकेला काम कर रहा है। अच्छा। और वो काम वाली खाला भी नहीं आई। ओके मामा, मैं देखती हूँ। सिदरा, जिया बेटी आज बहुत खुश है। हाँ बिल्कुल, औलाद की खुशी में माँ बाप की खुशी होती है, और कुछ बातों में माँ बाप को चाहिए कि औलाद पर फैसले छोड़ दें। फिर सारी उम्र औलाद माँ बाप के फैसलों के आगे सर झुकाए रहती है। तुम ठीक कहती हो, क्योंकि ऐसे फैसलों पर औलाद की जिंदगी का, सारी जिंदगी का दारोमदार और इन्हिसार है। ऐसे फैसलों में सबसे ज्यादा तरजीह औलाद को देनी चाहिए। और फिर वो तुम्हारी वाली बात, औलाद सारी जिंदगी माँ बाप के सामने सर झुकाए खड़ी रहती है और फैसले मानती है। ऐसे फैसलों में माँ बाप को चाहिए कि उनकी मर्जी शामिल हाल रहे। हाँ बिल्कुल, बच्चों की खुशी में माँ बाप की खुशी है। बहन बेटी अल्लाह की तरफ से माँ बाप के लिए बहुत बड़ी नेमत होती है। यही नेमत एक पहाड़ से भी ज्यादा वजन रखती है जो माँ बाप के कंधों पे होती है। माँ बाप सारी जिंदगी इसी कश्मकश में रहते हैं, बेटी के लिए जो फैसला किया है वो उनकी मर्जी के मुताबिक है या नहीं है। यार नदीम, तुमने तो आज जिया के घर जाना था ना, तुम्हें बीबी गुल ने क्यों इनकार किया कि वहां नहीं जाते? वो सब तो तुम्हारे मुंतजर होंगे। और हाँ,
नदीम, नदीम बेटा, बेटा तबीयत ठीक है? जी भी बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। मुझे पता है बेटा कि तुम्हारा दिल कितना दुखा होगा, क्योंकि किसी और को इनकार करना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्या करें बेटा, कभी कभी दूसरों के लिए भी जहर का घूंट भरना पड़ता है। ये जहर का घूंट तो मैंने आपके लिए भर लिया, मैंने अपनी खुशियों का गला घोंट लिया सिर्फ आपके लिए। बेबी गुल, मुझे तो आपकी आंखों में लालच की चमक नजर आ रही। नहीं बेटा नहीं, लालच वाली कोई बात नहीं है। बेटा मैं तो जो कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। और फिर रिश्ते तो आसमानों पे बनते हैं, और कभी कभी ये रिश्ते हम इंसान आसमानों पे लिखे हुए के नाम पे फायदे उठाते हैं। और मुझे शुमाइला बिल्कुल पसंद नहीं है, और ना ही उनके मालो कारोबार में कोई दिलचस्पी है। मैं क्या करूं बीबी गुल, मुझे जो भी करना है आपके हुक्म के मुताबिक करना है। आपके हुक्म पे तो एक मोहब्बत क्या 100 मोहब्बतें भी कुर्बान कर सकता हूं। बेटा जीते रहो बेटा, कि तुमने मेरी बात का भरम रख लिया। अगर तुम मुझे इनकार भी कर देते तो मैं क्या कर लेती। नहीं बीबी गुल, ऐसा मत कहिए। मैं तो कहता हूं कि अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं आपकी इतनी खिदमत करूं जितनी के हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह अन्हों ने अपनी माँ की थी। जज़ाकअल्लाह बेटा, जज़ाकअल्लाह।
Spoilers. Reverse green. Decent. बेटा सफर कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे बेटा, तुम तो इतनी बदल गई हो। मैं तो कह रही थी कि तुम अच्छी खूबसूरत बुर्के में आओगी। ओहो, बेबी गुलाब कितनी सादा है। मैं लंदन से आई हूँ, कोई गांव से तो नहीं आई। वहां पर ये रिवाज नहीं है, वहां पर चादर दुपट्टा बुर्का हर कोई नहीं पहनता। नहीं तो क्यों, उधर पख्तून नहीं है? है बेबी गर्ल, लेकिन वहां पर ये रिवाज नहीं है। बच्चे, चादर दुपट्टा बुर्का ये रिवाज नहीं है, ये पर्दा है और पर्दा ईमान का हिस्सा है। अच्छा, देख लिया भाभी मेरा दामाद कितना समझदार है। एक्सक्यूज मी, आप गपशप। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, मुझे पता है तुम्हें बहुत पसंद आएगा। हाथ इधर लाओ, मैं खुद बांधूंगी। शुमाइला, ये चीजें मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और आजकल घड़ी कौन इस्तेमाल करता है, मोबाइल में ये सब है ना। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। बहुत सादा हो तुम। घड़ी इंसान सिर्फ वक्त देखने के लिए नहीं पहनता, इससे इंसान की पर्सनैलिटी का पता चलता है। हेलो, हाय फामीन। बेहतरीन, सुपर मजेदार। Me too. I'll be back soon. I'll call you later. I'm busy right now. Yes, someone is here. Okay, bye. Take care. Okay, bye. Kaun tha? फानी था। फामी कौन? मेरा फ्रेंड इरफान। फ्रेंड? कम ऑन यार, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। ओहो, किन बातों में पड़ गए हो तुम? मैंने तो कुछ नहीं कहा। ठीक है, नॉर्मल बात है। अच्छा मुझे ये बताओ, शाम को क्या मसरूफियात हैं तुम्हारी? कुछ खास नहीं। तो फिर ऐसा करते हैं, कहीं क्लब चलते हैं, जरा हैंग आउट करें, चिल विल करें, ठीक है? क्या मतलब क्लब? तुम्हारा दिमाग ठीक है? यहाँ क्लब नहीं होते। कितना बोर मुल्क है। देखो शुमाइला, हमारा अपना इकदार और रिवायात है, यह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ ये बातें बिल्कुल नहीं है, यहाँ दीन है। बाहर मुल्क में मुस्लिम्स नहीं है लेकिन इंसानियत है,
यहाँ पर मुस्लिम्स बहुत हैं, पर इंसानियत कम है।